गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए प्रारंभिक भारत का परिचय से चैप्टर नंबर 13, यानी 13 नंबर चैप्टर है आज। तो आज हम यहाँ चैप्टर में देखेंगे क्या क्या हमें यहाँ नोट डाउन करना है, क्या क्या हमें समरी उसकी एनालिसिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आप लोगों से फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अभी तक काफ़ी सारे लोग जो हैं उन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वहाँ पर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया है वो लोग जो करंट का वीडियो आ रहा है उस पर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप लोग फिर बाद में एकदम भागते हैं जब UPSC का एग्जाम नज़दीक होता है या स्टेट PCS का एग्जाम नज़दीक होता है, तब आप फिर कहते हैं कि सर आप हमें ये वीडियो प्रोवाइड करवाइए, करंट का बताइए, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अभी आप उसे जो है प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, आप मैं कुछ भी बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको जिसमें जिसे ज़्यादा लाइक लगे तो देख लीजिए, वीडियो नहीं लगता है तो मन ना देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 13 है आपका उत्तर वैदिक अवस्था राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। ठीक है, ठीक है, ये उत्तर वैदिक अवस्था जो है यानी कि ऋग्वैदिक अवस्था तो आपकी जो थी आज से 1500 ईसा पूर्व थी, 1500 ईसा पूर्व थी। अब ये उत्तर वैदिक वाला सिस्टम का मतलब क्या है, इसके बाद वाली अवस्था यानी कि 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच की अवस्था जो है वो उत्तर वैदिक अवस्था के अंतर्गत रखी गई है। अब हम इसमें जानेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम बढ़ते जाएंगे और ऐसे करके हमारा पूरा इतिहास जो है यानी एंसाइंट जो है खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार, यानी कि आर्य आदो 1500 ईसा पूर्व गए थे, अब उनका विस्तार किस तरह से हुआ भारत में ये हम जानेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, पहला पॉइंट उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। यानी उत्तर वैदिक काल का इतिहास हमें जो देखने को मिलता है वो ऋग्वेद के बाद के जो ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के बाद के सालों में जो है ऋग्वेद के लगभग 500 सालों बाद जो ग्रंथों की रचना हुई, तो उन ग्रंथों में हमें उत्तर वैदिक काल का इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट ये वाला है, वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं, यानी कि वैदिक सूक्त और मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। अब इसी का सब पॉइंट है, ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। देखिए, ये ध्यान रखना, ऋग्वेद अलग है और ऋग्वेद संहिता अलग है। ऋग्वेद संहिता एक वैदिक ग्रंथ है और जो कि ऋग्वेद के बाद लिखा गया है। काफी सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी ऋग्वेद से ऋग्वेद संहिता दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि ऋग्वेद अलग है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, जबकि ऋग्वेद संहिता जो है उत्तर वैदिक काल में लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, ये आप जान लीजिए, दोनों अलग अलग है, ऋग्वेद संहिता। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड पॉइंट आप देखिए नोट करेंगे, हम देखिए अब ऋग्वेद के जो ग्रंथ, ऋग्वेद के बाद के जो ऋग्वेद के सूक्त थे उन्हें चुन चुनकर उन्हें धुन में बांधा गया, यानी कि एक लयबद्ध तरीके में, एक यानी कि गेय पद के रूप में उन्हें किया गया, यानी कि गा सकें, उन्हें गा सकें एक लयबद्ध रूप में। तो उन्हें जब व्यवस्थित किया गया तो उस संकलन का नाम पड़ा था सामवेद संहिता। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपका यही है कि गाने के लिए ऋग्वेदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया, धुन में बांधा गया, और इस संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा, और इस संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। ठीक है, अब देखिए एक बात तो कंफर्म हो गई कि ऋग्वेद के बाद कौन सी ग्रंथ की रचना हुई है, सामवेद की। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड पॉइंट का ही सब पॉइंट है। देखिए, ऋग्वेदोत्तर काल में सामवेद के अतिरिक्त दो और संकलन तैयार हुए हैं, यानी सामवेद के अतिरिक्त यहाँ पे दो और संकलन तैयार किए गए हैं, और ये संकलन कौन कौन से हैं? पहला तो है यहाँ पर, पहला सब पॉइंट इसमें लिख लेना, यजुर्वेद संहिता। ठीक है, और दूसरा है अथर्ववेद संहिता। देखिए, यजुर्वेद संहिता में डैश लगा के लिखेंगे इसी में कि यजुर्वेद में केवल रचाएं ही हैं नहीं, उन्हें गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि आपका थर्ड का सब पॉइंट है कि संकलन का नाम, थर्ड का सब पॉइंट है आपका, पहले थर्ड पॉइंट था आपका, तो थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट है कि ऋग्वेदोत्तर काल में सामवेद के अतिरिक्त और दो संकलन तैयार किए गए हैं। ठीक है, अब थर्ड सब पॉइंट का के अंदर पहला सब पॉइंट है कि पहला है यजुर्वेद संहिता। ठीक है, यजुर्वेद संहिता में आप लिखेंगे इसमें केवल रचाएं ही नहीं उन्हें गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी दिए गए हैं। ठीक है, अब इसी में सेकंड सब पॉइंट है, इसमें है अथर्ववेद संहिता। देखिए, अथर्ववेद संहिता में इसमें जो है विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित हैं, यानी इसमें विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र यानी तांत्रिक क्रियाएं इसी में मिलती हैं आपके, किसमें? अथर्ववेद में। तो एक क्रम बना हुआ है, ऋग, साम, यजुर् और अथर्व, एक क्रम बना हुआ है, इसी क्रम में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसी क्रम में ये लगाना पड़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वैदिक संहिताओं के बाद और भी कई ग्रंथ लिखे गए, तो वैदिक संहिताओं के बाद जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका क्रम है, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यहां देखिए अभी तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्राह्मण एक समुदाय का नाम है, ब्राह्मण समुदाय नहीं थे, ब्राह्मण ग्रंथ भी थे उस समय। और हम जानेंगे कि ब्राह्मण जो आज के ब्राह्मण है वो कहां से उनका मतलब उदय हुआ, यानी कहां से कैसे कैसे वो हैं, तो वो भी हम यहां पे इसी चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका यही है, चौथा पॉइंट है कि वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है एक तरह के। ठीक है, देखिए इसी में चौथे में ही सब पॉइंट है आपका, इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं और उन अनुष्ठानों की सामाजिक एवं धार्मिक व्याख्या भी की गई है। यानी कि इनमें वैदिक अनुष्ठानों की विधियां संग्रहित कर उनकी धार्मिक और सामाजिक व्याख्या भी की गई है। फिर से रिपीट कर रहा हूं चौथे का सब पॉइंट, इनमें वैदिक अनुष्ठानों की विधियां संग्रहित कर उनके सामाजिक और सामाजिक और धार्मिक व्याख्या भी की गई है, उनकी सामाजिक और धार्मिक व्याख्या भी की गई है। ठीक है, अब अगला सब पॉइंट चौथे का ही अगला सब पॉइंट है। देखिए ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो इनकी रचना जो हुई है, यानी उत्तरकालीन जो वैदिक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ जो रचे गए हैं वो लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए हैं। यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए हैं। ये चौथे का सेकंड सब पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है यानी पांचवा पॉइंट है। देखिए लगभग पांचवा पॉइंट आपका यहां से है, लगभग 700 दूसर मर्दवांड, यानी लगभग 700 जो है दूसर वांड वाले, 700 जो है आपके चित्र दूसर वांड वाले जो है स्थल अस्तित्व इनका पता चला है, और यहां पर लोहे के हथियारों का प्रयोग भी मिला है। यानी कि खुदाई जो बाद के सालों में हुई है अभी, तो उत्तर वैदिक काल की हमें लगभग 700 स्थलों का पता चला है, 700 दूसर वांड वाले स्थलों का पता चला है, साथ ही साथ 700 दूसरे वांड वाले स्थलों का पता चला है, और साथ ही साथ यहां पर हमें लोहे के, यानी कि लोहे के हथियार भी यहां पर हमें मिले हैं। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट यही लिख लेना कि लगभग 700 दूसरे वांड वाले स्थलों का अस्तित्व पता चला है, विराम लोहे के हथियारों का प्रयोग मिला है। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपका छठा पॉइंट। देखिए आपने कल पढ़ा था कि कैसे पुरजन और कुरु एक हो गए, यानी पुरजन और भरत मिलकर एक कुरु बन गए, बाद में कुरु बन गए, फिर बाद में कुरु और पांचालों ने मिलकर जो है गंगा के दोआब के मध्य तक अपनी सत्ता फैलाई। ठीक है, और फिर धीरे धीरे एंड में आकर कौरवों और पांडवों में जो है युद्ध हुआ। ठीक है, और जबकि जो पांडव थे वो कुरुकुल के ही थे, कुरुकुल के ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बना लिया था अलग पांडव टाइप। ठीक है, तो यहाँ आपने कल आपने ये सब चीज़ें पढ़ी थी महाभारत के बारे में। देखिए इसमें पढ़ने के लिए बताने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बचपन से कहानियाँ सुनिए महाभारत की तो सबको जवान पर रटी हुई होंगी, आई होप, मेरा यहाँ तक मानना है कि आपको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है महाभारत की कहानियाँ। तो देखिए छठा पॉइंट आप नोट करेंगे, छठा पॉइंट, दो प्रमुख कबीले भरत और कुरु एक होकर कुरु कहलाए। देखिए यहाँ पे हम लिखना जरूरी है हमारा, क्योंकि चैप्टर नया है, हो सकता है कभी याद ना रहे, तो दो प्रमुख कबीले भरत और कुरु होकर एक होकर कुरु कहलाए। ठीक है, देखिए अब यहीं पे छठी का पहला सब पॉइंट आप नोट करेंगे, आरंभ में वे सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों, आरंभ में वे सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के प्रदेश में बसे। ये आपका छठवें का पहला सब पॉइंट है। छठवें का सेकंड सब पॉइंट है, शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार जमाया, जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये छठवें का सेकंड सब पॉइंट आप नोट कर लेना कि शीघ्र ही इन्होंने दिल्ली और दोआब के ऊपरी क्षेत्र पर अधिकार जमाया, जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब छठे का तीसरा सब पॉइंट आप नोट करेंगे, देखिए इन्होंने छठे का तीसरा सब पॉइंट है, छठा पॉइंट का तीसरा सब पॉइंट है। ठीक है, तीसरा सब पॉइंट है यानी थर्ड सब पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर नोट करेंगे, इन्होंने पांचालों के साथ मिलकर दोआब के ऊपरी, यानी इन्होंने पांचालों के साथ मिलकर दोआब के ऊपरी और मध्य भागों पर अपनी सत्ता फैलाई। छठे का तीसरा सब पॉइंट यही है कि इन्होंने पांचालों के साथ मिलकर ठीक है, इनके साथ मिलकर दोआब के ऊपरी और मध्य भाग में सत्ता फैलाई, और जब इन्होंने सत्ता फैलाई तब इन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाया। ठीक है, तब इन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है,
जो कि मेरठ जिले में पड़ता है, हस्तिनापुर। ठीक है, तब इन्होंने हस्तिनापुर को राजधानी बनाया जो मेरठ जिले में पड़ता है। तो इस तरह से छठे पॉइंट में तीन सब पॉइंट है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचाल, पांचाल जो आपने सुना, पांचाल पांचाल वर्ड, पांचाल पड़ता कहाँ है थोड़ा जान लेते हैं पांचाल के बारे में। ठीक है, आई होप आप तीन, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का जिक्र कर रहा हूँ, इन जिलों में से कोई अभ्यर्थी अगर वीडियो देख रहा हो तो कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है, यानी इस प्रदेश को जो है इन तीनों जिलों, ये तीनों जो जो है गंगा के किनारे वाले जिले हैं। यानी बरेली नहीं पड़ता है गंगा के किनारे, यानी बरेली भी नहीं है, बरेली से शायद रामगंगा होके जाती है शायद बरेली से, हाँ मेरा हाँ रामगंगा होके जाती है, बरेली देखा हुआ है पूरा मेरा, रामगंगा होके जाती है यहाँ से। यानी रामगंगा जो है वो गंगा की ही एक शाखा है, और बदायूं से भी, बदायूं शायद बदायूं से भी नहीं है, फर्रुखाबाद से तो जाती है गंगा जी निकल के। ठीक है, तो ये जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, इन तीनों का ये सम्मिलित क्षेत्र है, इसे पहले इतिहास में पांचाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर जो है इस पांचाल राज्य के जो राजा थे और ब्राह्मण थे बहुत ही विख्यात थे उस समय। ठीक है, और पांचाल आपने सुना होगा, पांचाली यानी द्रौपदी, देखिए थोड़ा मैं महाभारत का पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, लिखना का नहीं है, पहले जान लेते हैं। तो द्रौपदी जो है वो पांचाल प्रदेश की ही राजकुमारी थी, पांचाल प्रदेश की, यहीं की, यानी इस यहीं की राजकुमारी थी। और पांचाली का वर्तमान में, यानी वर्तमान में जो अब पांचाली या द्रौपदी, द्रौपदी जो भी है, तो ये कपिल ऋषि का जिनका जो आश्रम था वो जगह पड़ती है आपके फर्रुखाबाद में, यानी कंपिल के नाम से एक जगह है फर्रुखाबाद में, कंपिल करके एक जगह है, तो वहां पे पहले कपिल ऋषि का आश्रम था ऐसा इतिहास में वर्णित है, आज भी वहां के लोगों की मान्यता है। और वहां पर द्रौपदी कुंड वगैरह बना हुआ है, यानी द्रौपदी जी के उपलक्ष्य में वहां पर कुंड वगैरह मंदिर बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब मान्यताएं जो है आपको ये देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट डाल के ये बात लिखना यहाँ पे जरूरी है पांचाल के बारे में, नोट डाल के कि आज के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में पांचाल राज्य था, आज के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में पांचाल राज्य फैला था। ठीक है, जहां जहां दार्शनिक, जहां के दार्शनिक राजा और तत्वज्ञानी ब्राह्मण विख्यात थे, और तत्वज्ञानी ब्राह्मण विख्यात थे, जहां के दार्शनिक राजा और तत्वज्ञानी ब्राह्मण विख्यात थे। तो ये नोट में लिख लिया होगा कि आज के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में पांचाल राज्य फैला था। ठीक है, जहां के दार्शनिक राजा और तत्वज्ञानी ब्राह्मण विख्यात थे। ठीक है, तो आपने ये जान लिया। देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्टली आप एक चीज देखते होंगे कि महाभारत की जो सभी चीजें हैं वो लगभग अस्तित्व में है। ठीक है, महाभारत की जो सभी चीजें हैं अस्तित्व में है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो धर्म से जुड़े होंगे, देखिए मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं धर्म में विश्वास नहीं, धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ, आस्था में भी मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है, लेकिन जो विज्ञान है, आपका इतिहास है, इतिहास जो कहता है, आपकी ये पुस्तक जो कह रही है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, इतिहास में देखिए महाभारत का अस्तित्व है, लेकिन इतिहास जो है वो रामायण को एपिक बताता है, यानी रामायण को काल्पनिक बताता है। अब क्यों बताता है ये मैंने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके तर्क हैं जो लोगों के, यानी लोगों से मतलब इतिहास के जो तर्क हैं, जो गवर्नमेंट के तर्क हैं, गवर्नमेंट के जो इतिहास में तर्क ये है, पहला तर्क ये है कि जिस समय रामायण का काल बताते हैं, राम का काल बताते हैं, उस समय उस प्रदेश में, यानी कौशल प्रदेश जो बोला जाता है आपका, अवध के आगे वाला प्रदेश, अवध के पास वाला प्रदेश, वहां पर कोई सभ्यता ही नहीं थी, यानी बस्ती ही नहीं थी वहां पर। ठीक है, जबकि रामायण का काल अगर आप अपने घर में की जो किंवदंतियां सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो उसमें आप पाते हैं कि रामायण की रचना लगभग 1000 या 2000 साल पहले, आपके महाभारत से पहले रामायण की रचना, रामायण घटित, रामायण का कालक्रम घटित हुआ था। और उस हिसाब से अगर आप पुरातत्व खोजें अगर देखें, तो उस हिसाब से वहां पर कोई अस्तित्व ही नहीं था वहां, यानी दूर दूर तक बस्ती नहीं थी वहां पर। ठीक है, जबकि आपको महाभारत के जो मोस्टली जो पात्र हैं, मोस्टली जो जगह हैं, वो सब मिल जाएंगी, क्योंकि महाभारत की रचना जो हुई है वो अभी हुई है। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, महाभारत जो काव्य है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, महाभारत महाकाव्य की रचना पहले हुई है, यानी महाभारत महाकाव्य की रचना पहले हुई है, जबकि रामायण जो महाकाव्य है इसकी रचना महाभारत के बाद में हुई है। और इसका अंतिम बार संस्करण जो रामायण महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य का अंतिम बार संस्करण 12वीं सदी में आके लिखा गया था। ठीक है, यानी कुछ लोगों का मानना यह है कि रामायण झूठी नहीं हो सकती है, रामायण इसलिए झूठी नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें सब आधुनिक जगहों के नाम है, तो उसमें भी तर्क देते हैं, यानी उसमें भी इतिहासकार तर्क ये देते हैं कि रामायण में आधुनिक नाम इसलिए हैं क्योंकि इसका अंतिम बार 12वीं सदी में संस्करण जब लिखा गया है, तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है सब ये अस्तित्व में आ गए थे नई नई जगह, तो इसलिए उसमें नई जगहों के नाम है। ठीक है, जबकि जो इतिहास है आपकी, ये पुस्तक है, वो महाभारत का वजूद मानती है, रामायण का कोई वजूद नहीं मानती है, ये पुस्तक का कहने का मैं मतलब बता रहा हूं। अब यहां पर मुझे आक्षेप मेरे ऊपर मत लगाना,
मैं आस्था मेरी दोनों में है, मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ये मत कह देना कि सर हमारा हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ये कर रहे हैं, कह रहे हम मैं धार्मिक भावनाओं में किसी के साथ नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं शिक्षक की बात पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जो तथ्य आए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ठीक है, अब अगली जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका, देखिए जो आपका कुरुकुल का इतिहास है, जो कुरुकुल जो है, कुरुकुल का सबसे गौरवमय इतिहास जो है, जो जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है, तो कुरुकुल का इतिहास जो है ये 950 ईसा पूर्व के मध्य इनका एक युद्ध हुआ था, 950 ईसा पूर्व के मध्य इनका एक युद्ध हुआ था, युद्ध में जो महाभारत के नाम से बाद में विख्यात हुआ, ठीक है, तो उसमें इनका जो है ये बहुत मशहूर है इतिहास इनका, ठीक है। तो कहाँ गया पॉइंट, चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं थर्ड सातवां पॉइंट, नहीं लिख लेंगे ये कुरुकुल का इतिहास, कुरुकुल का इतिहास कहाँ गया, नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, कुरुकुल का इतिहास, भारत युद्ध, भारत युद्ध नहीं है, भरत युद्ध, यानी कि पहले महाभारत का नाम भरत ही था, भरत युद्ध, जयस्था, जयस्ते सत सहित जो भरत कहलाया, फिर सत सहस्त्री संहिता कहलाया, ठीक है, भरत युद्ध ब्रैकेट में लिख लेना, भरत युद्ध में ब्रैकेट में लिख लेना, 950 ईसा पूर्व के आसपास, 950 ईसा पूर्व के आसपास। देखिए क्या होता है, स्लाइडें कट जाती हैं, कभी कभी याद नहीं रहता है मुझे, आगे पीछे हो जाती हैं। तो भरत युद्ध ये हुआ है 950 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, 950 ईसा पूर्व के आसपास, कौरवों और पांडवों में, ब्रैकेट बंद, को लेकर मशहूर है, यानी फिर से बोल रहा हूं सातवां पॉइंट, कुरुकुल का इतिहास, भरत युद्ध ब्रैकेट में, इसके आगे 950 ईसा पूर्व के आसपास, कौरवों और पांडवों में, ब्रैकेट बंद, को लेकर मशहूर है, जिस पर महाभारत नाम का विख्यात महाकाव्य है, जिस पर महाभारत नाम का विख्यात महाकाव्य है, ठीक है। और देखिए अंतिम बार जो महाभारत की रचना हुई है वो ईसा की चौथी सदी में आकर इसकी अंतिम बार रचना हुई है, यानी कि महाभारत के लगभग, महाभारत अपने काल से लेकर अब तक लगभग 1500 सालों में कंप्लीट हो पाया, महाभारत महाकाव्य जो है लगभग, इतिहास ये बताता है, मैं पहले भी ये रिपीट करता हूँ, लगभग 1500 सालों में ये लिखा गया, यानी कि पहले जब तो 950 ईसा पूर्व के आसपास युद्ध हुआ उस टाइम से लिखना स्टार्ट हुआ, फिर तमाम बार संस्कृत आते आते इसका अंतिम बार जो है ईसा की चौथी सदी में आके लिखा गया, ठीक है, जबकि रामायण का जो काल जो है वो आपका ईसा की 12वीं सदी में आके पूरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कहानियां प्रचलित है, यानी प्राचीन कथाओं के अनुसार ये प्रचलित है कि हस्तिनापुर जो था वो बाढ़ में बह गया था, तो वहां पर जो कुरुवंश के कुछ लोग बचे थे, यानी कि युद्ध के बाद कुरुवंश के कुछ लोग बचे थे, वो इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में जाके बसे थे, यानी ऐसा मत है, कन्फर्म नहीं है कि ये क्या बाढ़ से ही बहकर ये बसे थे वहां पर या फिर ऐसे ही चले गए थे, ऐसा मत है लोगों का कि जो इलाहाबाद के पास कौशाम्बी है वो कुरुओं के द्वारा ही बसाया हुआ है, यानी हस्तिनापुर पूरा बह गया था बाढ़ में, तो ये लोग इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में जाकर बसे थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप हस्तिनापुर और कौशाम्बी की अगर दूरी डिस्टेंस अगर आप नापें तो बहुत लंबी डिस्टेंस है, इतना लंबा बसने का कोई मतलब नहीं निकलता है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो लोगों की कथाएं हैं, किंवदंती हैं, वो लोग ये मानते हैं कि ये लोग फिर वहां पर जाके बसे थे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां पॉइंट आपका जो है उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास, उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैले, ठीक है। आठवां पॉइंट यही है, उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते नहीं, 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल खत्म हो गया, उसके आसपास जो वैदिक लोग थे वो दोआब के पूर्व की ओर बढ़ गए, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल गई है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे पॉइंट आता है, यहां पे आठवें का सब पॉइंट करके लिख लेना आप, यद्यपि कौशल राम की कथा से जुड़ा है तथा वैदिक साहित्य में राम कथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि वैदिक साहित्य भी है उसमें भी राम का कोई जिक्र नहीं है, ऋग्वेद में भी राम का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि अगर राम की जो कहने का मतलब जो है इतिहासकारों का, अगर राम का वहां पर पहले से था तो राम का जिक्र ऋग्वेद में आता, यानी राम अगर राम का पराजय पहले रहा होता तो ऋग्वेद में जिक्र आता उसका, लेकिन यहां पर जिक्र नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से जो उत्तर वैदिक साहित्य है उसमें अभी कहीं का राम का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी बाद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें तो उल्लेख आया है, इसके बाद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है लेकिन यहां तक उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अगली हेडिंग है आपकी चित्रित धूसर मृदभांड, यानी कि पीजीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, पेंटेड ग्रे वेयर,
पीजीडब्ल्यू शॉर्ट में बोलते हैं ना, इतिहासकार जो पुरातत्व शॉर्ट में पीजीडब्ल्यू बोलते हैं ना, पेंटेड ग्रे बियर यानी चित्रित धूसर मेजबान पीजीडब्ल्यू, इसे शॉर्ट में वो लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, पीजीडब्ल्यू मिला यहाँ पर, ये पीजीडब्ल्यू स्थल है या ये है, ठीक है, चित्रित धूसर मेजबान इसकी हिंदी होती है। तो लौहावस्था संस्कृति और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, ये आपकी हेडिंग है, चित्रित धूसर मेजबान लौहावस्था संस्कृति और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट यहां पे नोट करते हैं, लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका यही है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट सब पॉइंट यहां पे देखिए, नेक्स्ट सब पॉइंट है आपका, पहले का ही सब पॉइंट है, उसी समय पाकिस्तान के गंधार और बलूचिस्तान में, उसी समय पाकिस्तान के गंधार और बलूचिस्तान में कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार भारी मात्रा में मिले हैं। उसी समय पाकिस्तान के गंधार से और बलूचिस्तान से कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार भारी मात्रा में मिले, यानी खुदाई में लोहे के औजार जो है उसी समय के जो है 1000 ईसा पूर्व के, वो इन दोनों जगह से पाकिस्तानी गंधार से और बलूचिस्तान से हमें मिलते हैं। तो पहले का सब पॉइंट यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए सेकंड पॉइंट है, लोहे के अस्त्र हैं इनका प्रयोग 800 ईसा पूर्व जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आमतौर से होने लगा था। तो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, 800 ईसा पूर्व पश्चिमी यूपी में लोहे का आम व्यवहार होने लगा था। सेकंड पॉइंट आपका यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट एक और नोट करेंगे यहीं पे, थर्ड पॉइंट मैं यहीं पे नोट करवा दे रहा हूं, थर्ड पॉइंट आपको नोट करवा दूं। देखिए 700 ईसा पूर्व जो, तो 800 ईसा पूर्व आम व्यवहार के में प्रचलन में आ गए हैं आपके लोहे के औजार पश्चिमी यूपी में, 700 ईसा पूर्व पूर्वी यूपी में, 700 ईसा पूर्व जो पूर्वी यूपी वाला हिस्सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, तो यहां पर हमें प्राचीनतम हथियारों मिले हैं, यूपी के पूर्वी यूपी में लोहे के प्राचीनतम हथियारों की खोज हुई है। ये लिख लेना आप थर्ड पॉइंट, 700 ईसा पूर्व पूर्वी यूपी में लोहे के प्राचीनतम हथियारों की खोज हुई है, ठीक है, प्राचीनतम हथियारों की खोज, यानी ये सब खोज जो अभी हुई है, टाइम 700 ईसा पूर्व का है, ये आप ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोह धातु को श्याम या अयस्क कहा जा गया है। तो चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोह धातु को श्याम या अयस्क कहा गया है। लेकिन लोहे के जो औजार हैं वो कृषि के औजार में कम पाए गए, यानी कि लोहा जो है कृषि के औजार में कम पाया गया है। संभवतः ऐसा हुआ होगा क्योंकि वहां पर जो हल वगैरह हुए होंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता के हल थे वो लकड़ी के हल होते थे, ठीक इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल तक हल भी लोहे के न बनाकर, यानी हलों के फाल लोहे के न बनाकर लकड़ी के हल बनाए जाते हों, उनके फाल जो है लकड़ी के रखे जाते होंगे, तो जिस वजह से वो गल गए समय के हिसाब से और मिट्टी में मिल गए, जो हमें आज तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। तो लोहे का जो इस्तेमाल है वो कृषि के औजारों में बहुत कम हुआ है। तो पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे, यद्यपि लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं, क्योंकि जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी, ये लिख लेना इसी में जोड़ के, क्योंकि जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी, ठीक है। नोट करके एक बात लिख लेना यहां पर इसके नीचे, देखिए हल का जिक्र जो है वो एक वैदिक ग्रंथ है, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ है, सत्वत ब्राह्मण ग्रंथ है एक, ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ है, तो इसमें जो है वर्णन आया है, तो नोट में लिख लेना, सत्वत ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन आया है। अब वर्णन क्या आया है वो सुन लीजिए, अपने कानों से सुन लीजिए। जैसे सत्वत ब्राह्मण में एक जिक्र किया गया है कि सीता के पिता यानी कि विदेह के राजा जनक जो थे, इन्होंने हल चलाया था, तो उस समय जो थे राजा राजकुमार भी हल चलाते थे, उसमें जो कृष्ण के भाई बलराम है इनका भी जिक्र किया गया है। और फिर एंड में आकर इसमें एक बात और कही गई है
कि उत्तर वैदिक काल के एंड में आते आते जो युवा थे यानी कि युवराज थे उन्हें हल चलाना वर्जित कर दिया गया, और यानी वो हल फिर नहीं चलाते थे, पहले युग के टाइम के लोग चलाते थे। अब आपको एक बात आपको यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शतपथ ब्राह्मण एक उत्तर वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि एक आपका यानी कि ऋग्वेद सामवेद यजुर अथर्व के बाद सबसे बाद का ये ग्रंथ है, और इसमें यहाँ पर राम का जिक्र रामायण का जिक्र हुआ है, यानी रामायण से मतलब यहाँ पर राजा जनक है इनका जिक्र हुआ है यहाँ पर, ये आपको माइंड में क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो शतपथ ब्राह्मण नोट आपने लिख लिया होगा कि शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का विवरण दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवां पॉइंट आप नोट करेंगे, आप वैदिक काल के लोग, और वैदिक काल के लोग जौ उपजाते ही रहे, जौ तो उपजाते ही रहे, पर इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसलें हो गए। छठवां पॉइंट यही है कि वैदिक काल के लोग जौ तो उपजाते ही रहे, पर इस काल में यानी वैदिक काल में हमें जौ का यहां पर जिक्र मिलता है, वहीं इस काल में आते आते उत्तर वैदिक काल में इस चावल और गेहूं भी मुख्य फसल बन गए हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट आप नोट करेंगे, वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोहाब में हुआ, यानी गंगा के दोहाब क्षेत्र में हुआ, वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। इसी में आगे लिखेंगे, वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीह है। ठीक है, सातवां पॉइंट यही है, वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ, वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीह है। ठीक है, अब देखिए चावल का जो अवशेष है, आठवां पॉइंट आप नोट करेंगे, चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य अवशेष है ये मेरठ का हस्तिनापुर यहां से मिला है, और यूपी का एक जिला है एटा। ठीक है, तो एटा में एक जगह है, एटा जिले के अंदर अतरंजी खेड़ा नामक जगह है, तो यहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो आठवां पॉइंट नोट करेंगे, चावल के अवशेष हस्तिनापुर में और एटा जिले में अतरंजी खेड़ा में मिले हैं, जो ईसा पूर्व आठवीं सदी के हैं, जो ईसा पूर्व आठवीं सदी के हैं। तो आपका आठवां पॉइंट यही है, चावल के अवशेष हस्तिनापुर और एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में मिले हैं, जो ईसा पूर्व आठवीं सदी के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नवा पॉइंट आप नोट करेंगे। 1500 ईसा पूर्व के पहले के तांबे के बहुत से सारे औजारों के जखीरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। नवा पॉइंट आप ये नोट कर लेना, 1500 ईसा पूर्व के पहले के तांबे के बहुत सारे औजारों का जखीरा पश्चिमी यूपी और बिहार में, यानी औजारों के जखीरे पश्चिमी यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। ये आपका नवा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए उत्तर वैदिक काल जो है, 10वां पॉइंट आप लिखेंगे, उत्तर वैदिक काल में बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। 10वें का सब पॉइंट, चमड़े मिट्टी और लकड़ी के शिल्पों में भी भारी प्रगति हुई। 10वां पॉइंट है आपका, बुनाई केवल स्त्रियां करती थी किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। 10वें का सब पॉइंट, चमड़े मिट्टी और लकड़ी के शिल्पों में भी भारी प्रगति हुई। ठीक है, 11वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, 11वां पॉइंट यहां से है, 11वां पॉइंट, उत्तर वैदिक काल के लोग चार प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। पहला पॉइंट यानी किसी में काला व लाल मृदभांड, सेकेंड सब पॉइंट इसी में काली पालिसदार मृदभांड, थर्ड सब पॉइंट इसी में चित्रित धूसर मृदभांड, और फोर्थ इसमें है कौन सा, लाल मृदभांड। यानी चार तरह के मृदभांड थे, काला और लाल मृदभांड, सेकेंड है काली पालिसदार मृदभांड, और थर्ड है चित्रित धूसर मृदभांड, और चौथा है लाल मृदभांड। लेकिन इन सब में चित्रित धूसर मृदभांड जो है ये सबसे सर्वोपरि और बेस्ट सूचक है, यानी सबसे ज्यादा बेस्ट जो है चित्र दूसरे मधुबांड को माना गया है। ठीक है, इन सब में तो इसके आगे चित्र दूसरे मधुबांड में तीसरा वाला पॉइंट है, इसमें लिख लेना ब्रैकेट में, सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक, समझ जाएंगे आप ये सबसे बेस्ट यही वाला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या था कि खेती और विविध शिल्पों की वजह से जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे ये स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए, यानी कि अब खेती भी करने लगे, साथ ही साथ शिल्प जो हस्तशिल्प वगैरह कला उसका भी विकास हो गया, तो अब उन्हें एक जगह टिक के रहना पड़ा। यानी अब वो ये लोग विचरण नहीं करने वाले हो, जैसे उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं लोग विचरण करते थे फिर भी कबीलों में, लेकिन अब ये लोग विचरण ज्यादा नहीं कर सकते थे, तो अब ये लोग स्थिर होने लगे। तो 12वां पॉइंट आपका यही है, 12वां पॉइंट कि खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। ठीक है, तेरहवां पॉइंट लिखेंगे आप। देखिए जो आपके यूपी जो आपके जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं, यानी उत्तर वैदिक काल के लोग जो हैं वो ईंटों के घरों में रहते थे, यानी कि बताऊं कच्ची ईंटों के घर में यहाँ पे। हाँ यही है, ठीक है। तो आपका 13वां पॉइंट है शायद। हाँ 13वां पॉइंट, 13वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे। उत्तर वैदिक काल के लोग कच्ची ईंटों के घरों में लकड़ी के खम्भों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। इनके घर कच्ची ईंटों के होते थे और लकड़ी के खम्भों पर टिके ये मिट्टी घरों में रहे, लकड़ी के खम्भों पर टिके होते थे। कच्ची ईंटें लगी होती थी, लकड़ी का खंबा क्या है बीच में, लकड़ी का खंबा ऊपर से झोपड़ी टाइप डालनी, तो इस टाइप के घर होते थे, कच्ची ईंटों के होते थे, पक्की ईंटों के नहीं होते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लोग कच्ची ईंटों के घरों में लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। ठीक है, 14वां पॉइंट आप नोट करेंगे, 14वां पॉइंट आप नोट करेंगे। आप देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं इनमें नगर शब्द आया है। ठीक है, लेकिन नगर जो है वो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ में हमें नगरों की जो गति है, नगर बनने की गति जो है वो बड़ी मंद पाते हैं, बहुत ही धीमी गति से। यहां पर केवल दो नगरों का जिक्र केवल मिला है, एक तो हस्तिनापुर मेरठ के पास वाला और दूसरा कौशाम्बी यानी इलाहाबाद के पास वाला। तो यही यहाँ की गर्भावस्था में उत्पन्न हुए उत्तर वैदिक काल के दो नगर हैं। ठीक है, इन नगरों का जिक्र अब होने लगा, अब यानी नगर पे धीरे धीरे महानगर बनेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है आपका 13वां पॉइंट, तो 13वां नहीं 14वां, 14वां पॉइंट है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द आया, नगर शब्द आया तो है। ठीक है, पर उत्तर वैदिक काल के अंत में नगरों का मंद आवास, परंतु उत्तर वैदिक काल के अंतिम में नगरों का मंद आभास ही पाते हैं, अंत में नगरों का मंद आभास ही पाते हैं, नगरों का मंद आभास ही पाते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही मंद गति से गति थी। उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द आया तो है, पर उत्तर वैदिक काल के अंत में नगरों का मंद आभास ही पाते हैं। अब 14वें का सब पॉइंट आप लिखेंगे, हस्तिनापुर और कौशाम्बी इलाहाबाद, यानी हस्तिनापुर और कौशाम्बी ब्रैकेट में लिख लेना इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, तो वैदिक काल के अंत के महज गर्भावस्था वाले नगर थे। यानी कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी बस स्टार्टिंग हुई थी इनकी नगरी सभ्यता की, इनमें दोनों में, और ये गर्भावस्था के नगर मांगने गए हैं। ठीक है, तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी ब्रैकेट में आगे इलाहाबाद के पास, तो वैदिक काल के अंत में के महज गर्भावस्था वाले नगर थे। ठीक है, इसी में आगे लिख लेना, इन्हें आद्य नगरी स्थल यानी प्रोटो अर्बन साइट ही कहा जा सकता है, इन्हें आद्य नगरीय स्थल यानी प्रोटो अर्बन साइट ही कहा जा सकता है। तो आपका ये 14वें का सब पॉइंट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली जो हेडिंग है ये राजनीतिक संगठन है, यानी कि इस समय अब राजनीतिक संगठन किस टाइप का था, राजनीतिक संगठन यानी राजनीतिक के जो है यानी किस तरह के यहाँ के लोग होते थे, कैसा राजनीतिक संगठन था, तो वो सब हम यहाँ पर अब जानेंगे। ठीक है, देखिए राजनीतिक संगठन हैंड डाल ली, तो इसमें अब क्या होगा कि अब यहाँ पर जो राज की प्रभुत्व है वो बढ़ गया है। राज जो अब यानी कि राजा का प्रभुत्व, पहले क्या था वैदिक काल में जब हम देखते थे राजा का पद तो होता था, लेकिन राजा सभा की सहमति से कोई कार्य नहीं कर सकता, यानी एक छत्र अधिकार नहीं था उसका, यानी कि उसका डिसीजन लेना ही लेना है तो उसका कोई एक छत्र अधिकार नहीं था, उसे सलाह समिति करनी पड़ती थी। लेकिन अब यहां पर नहीं, अब तो राजा सर्वोपरि हो गया, यानी राजा जो चाहे वो कर सकता है यहां पर इस समय। ठीक है,
तो पहला पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहां पर, पहला पॉइंट अब आप नोट करेंगे इसमें राजकीय संगठन में, राजनीतिक संगठन में, कि अब राजकीय प्रभुत्व का वर्चस्व, अब राजकीय प्रभुत्व का वर्चस्व। अब देखिए पहले क्या था, पहले जो संगठन थे यानी कुलों के आधार पर अपने संगठन थे, सभा समिति विदित गढ़, तो इसमें सभा समिति विदित गढ़ का तो यहां जिक्र अभी है ही नहीं, गढ़ भी खत्म कर दिया गया। सभा समिति विदित और गढ़, चार संगठन जो पहले बने थे कुलों के आधार पर, तो अब विदित का नामो निशान नहीं रहा भाई। सभा और समिति जो है ये मतलब ये तो जिंदा रहे, इनका रंग ढंग पूरा बदल गया, इनका तरीका पूरा बदल गया कामकाज का। तो पहला पॉइंट अब आप फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अब राजकीय प्रभुत्व का वर्चस्व कौमा विदर्थ का नामो निशान नहीं रहा, यानी कि अब राजकीय प्रभुत्व का वर्चस्व हुआ कौमा विदर्थ का नामो निशान नहीं रहा, और ब्राह्म सभा और समिति, सभा और समिति तो रही, सभा और समिति तो रही पर उनका रंग ढंग बदल गया, सभा और समिति तो रही, सभा और समिति तो रही पर उनका रंग ढंग बदल गया। ये आपका पहला पॉइंट था। अब देखिए यहीं पे सब पॉइंट, पहले का सब पॉइंट आप देखेंगे, अब क्या है कि अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया और कुलीनों तथा ब्राह्मणों का प्राबल्य यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले का सब पॉइंट यही है कि अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया और कुलीनों तथा ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। सेकंड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, देखिए अब क्या था कि जो राजा थे यानी कि जो राज्य था, राज्यों के आकार की वृद्धि से जो मुखिया या राजा थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता गया। तो सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड का सब पॉइंट देखिए, सत्ता पहले क्या थी, पहले जनजाति थी, जनजाति कबीलों में व्यक्ति, अब प्रादेशिक बन गई यानी प्रदेश टाइप बन गई सत्ता, धीरे धीरे जनजातीय से प्रादेशिक होती गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे अब आप यहां पे, आरंभ में हर प्रदेश का नाम वहां पर सबसे पहले बसने वाले कबीले के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आरंभ में हर प्रदेश का नाम वहां पर सबसे पहले बसने वाले कबीले के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि एक एग्जांपल है पंचाल, यानी पंचाल जो था यानी पांच जनों का कबीला था तो इसका नाम प्रदेश का नाम पंचाल पड़ गया। तो इसमें यही कहने का मतलब है तीसरे पॉइंट में, आरंभ में हर प्रदेश का नाम वहां पर सबसे पहले बसने वाले कबीले के नाम पर प्रसिद्ध हो गया प्रदेश के रूप में। अब थर्ड पॉइंट आपका यही कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट यहां पर है, चौथा पॉइंट नोट करेंगे, राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, नहीं राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है पहले पहल इसी समय मिलने लगा, यानी राष्ट्र शब्द का उदय भी इसी समय हुआ है उत्तर वैदिक काल में आकर। ठीक है, चौथा पॉइंट यही है, राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है पहले पहल इसी समय मिलने लगा। अब देखिए क्या परिवर्तन आया, अब राजा की पहले जो भेंट प्राप्त करने की प्रथा थी, अब पहले क्या थी, इच्छा से लोग दे देते थे, इच्छा से राजा यानी हमारे राजा साहब है भाई इन्हें हम ये चीज पकड़ा दें, लेकिन अब उसने राजा ने तो उसे बिल्कुल जो थी इच्छा दी, इच्छा बच्चा को अवदमित कर दिया, अब उसे तो उसने तो रिवाज ही बना लिया कि आप हमें दोगे ही दोगे भेंट, चाहे कहीं से भी दो, खुद खाओ या ना खाओ, लेकिन हमें तो तुम दोगे ही दोगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आपका यही है, राजा ने पांचवा पॉइंट यही है, राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना लिया। राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना लिया और देखिए इस अधिकार और अपने पद की अन्य सुविधाओं को कायम रखने के उद्देश्य से उसने राजा के पद को आनुवांशिक बना लिया, यानी कि ये सुविधाएं उसे जीवन पर्यंत मिलती रहे, इसके लिए राजा ने क्या किया, राजा ने जो पद था अपना राजा वाला पद था वो आनुवांशिक बना दिया, यानी जो आनुवांशिक रूप से व्यक्ति होगा, यानी मान लो किसी अच्छे राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा, तो आनुवांशिक बना दिया उस तरह से। ठीक है, तो यहीं से आप देखते हैं जो वर्ण विभेद आप देखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय
वैश्य शूद्र वाला बर्ड विविध, यहीं से इसकी जो है पड़त हो गई, यहीं से इसका बीज बो दिया गया है इसी समय से। तो पांचवा पॉइंट यही है कि राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना लिया। इस अधिकार और अपने पद की अन्य सुविधाओं को कायम रखने के उद्देश्य उसने राजा के पद को आनुवांशिक बना लिया। ठीक है, ठीक है। छठवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, कर्मकांडों के विधानों से, यानी कर्मकांड जो बनाए थे ब्राह्मणों ने, तो कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बना दिया गया। जो ब्राह्मणों के द्वारा कर्मकांडों की रचना की गई थी, तो इनके विधानों से जो राजा था वो और भी प्रभावशाली बना दिया गया। छठवां पॉइंट यही है, कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बना दिया गया। अब देखिए, जैसे कि पहला कर्मकांड विधान है राजसूय यज्ञ, पहला जो है पॉइंट लिख लेना राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ। अब इसमें लिखेंगे राजसूय यज्ञ में पहला पॉइंट छठी का पहला सब पॉइंट है, तो ये किसके लिए होता था, ये होता था दिव्य शक्ति के लिए, लिख लेना ब्रैकेट में दिव्य शक्ति के लिए, राजसूय यज्ञ के आगे लिख लेना दिव्य शक्ति के लिए। सेकंड पॉइंट है इसी में छठवें में, ये है अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ये जो कर्मकांड अश्वमेध यज्ञ था, ये किसके लिए होता था, ये होता था अश्वमेध एक छत्र अधिकार के लिए, यानी एक छत्र राज्य के लिए, यानी कि एक छत्र राज्य है राजा का, यहां पर कोई और उससे मुकाबला करने वाला नहीं है, सब उसके अधीन है, एक छत्र राज्य के लिए। ठीक है, ये लिख लेना आप। अब एक छठवें का थर्ड सब पॉइंट आप डालेंगे, छठवें का थर्ड सब पॉइंट है, एक अनुष्ठान और होता था वाजपेयी यज्ञ, एक अनुष्ठान और था, इसका नाम था वाजपेय यज्ञ। ठीक है, तो वाजपेयी यज्ञ में आप आगे लिखेंगे, वाजपेयी यज्ञ में इसमें लिखेंगे आगे, इसी में लिखेंगे वाजपेयी यज्ञ, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था, एक वाजपेयी यज्ञ था। इस तरह के अनुष्ठान बना दिए गए ताकि जो राजा का प्रवचर्व है, राजा का प्रभुत्व है, वो बढ़ता चला जाए, यानी उसका राजा का कद बढ़ाने के लिए इस टाइप के अनुष्ठान बना दिए गए थे कि राजा अपने आप गौरवान्वित महसूस करे और उसका पद जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। तो इस तरह के अनुष्ठान बना दिए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट है आपका, देखिए उस समय जो नजराना वगैरह था, इनका संग्रह करने के लिए एक अधिकारी, यानी कि एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। वहां पे नजराना भी अब स्टार्ट हो गया है इस काल में आके। ठीक है, तो सातवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, सातवां पॉइंट, नजराना के संग्रह और संचालन के लिए, एक अधिकारी रहता था जो संगहीत कहलाता था। सातवां पॉइंट यही है कि नजराना के संग्रह और संचालन के लिए एक अधिकारी रहता था जो संग्रहीत कहलाता था। अब देखिए, यहां पर भी एक बात देखने को मिलती है, उत्तर वैदिक काल के राजा भी जो थे वो अपनी कोई स्थायी सेना नहीं रखते थे। ये आठवां पॉइंट आप नोट कर लेना, उत्तर वैदिक काल में भी राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता, यानी इस समय भी कोई राजा कोई स्थानीय सेना नहीं रखता था। वो अपना युद्ध जो था, अपने स्वजन जो थे, वो कबीले के जवान दल के जो युवा व्यक्ति थे उन्हें साथ में भर लेता था, उन्हीं से युद्ध में काम चलाता था। इस समय भी कोई स्थायी सेना नहीं रखी जा रही थी, जिसे कोई पेमेंट वगैरह देना पड़े या कोई तनख्वाह वगैरह देनी पड़े, ऐसी कोई सेना नहीं रखी जा रही थी इस समय भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है आपकी सामाजिक संगठन, यानी सामाजिक संगठन किस टाइप का था उस समय। देखिए, अब इसी में पहला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल का समाज चार वर्णों में विभक्त था। लिख लेना आप कौन कौन से चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, सेकंड पॉइंट, देखिए सेकंड पॉइंट पर ध्यान देना, आरंभ में 16 प्रकार के पुरोहितों में ब्राह्मण केवल एक प्रकार के पुरोहित होते थे। यानी कि जो ब्राह्मण हैं, यानी ब्राह्मणों की जो स्टार्टिंग हुई कहां से हुई है कि आरंभ में जो पहले पुरोहित होते थे, तो पुरोहितों में 16 प्रकार के पुरोहितों का वर्ग बना हुआ था। उसमें एक वर्ग जो था ब्राह्मण भी था, एक प्रकार जो था ब्राह्मण भी था, लेकिन धीरे धीरे जो ब्राह्मण थे वो अन्य पुरोहित वर्गों को दबाते गए और स्वयं प्रमुख वर्ग बन गए। ये सेकंड पॉइंट आपका यही है कि आरंभ में 16 प्रकार के पुरोहितों में केवल एक प्रकार के ब्राह्मण केवल एक प्रकार के पुरोहित थे, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण अन्य पुरोहित वर्गों को दबाते गए और स्वयं प्रमुख वर्ग बन गए। ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहां पर,
थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, देखिए वैश्य वर्ग जो था यानी वैश्य, ये जन सामान्य की कोटि में रखे गए, वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे कृषि पशुपालन का काम सौंपा गया। थर्ड यही है कि वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम जैसे कृषि पशुपालन आदि सौंपा गया। थर्ड का सब पॉइंट और नोट कर लेना, उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे, यानी उत्तर वैदिक काल में शूद्र वगैरह जो है, शूद्र जो है वो राजस्व नहीं चुकाते थे, केवल वैश्य ही यहां पर राजस्व चुकाते थे। थर्ड का सब पॉइंट यही है, उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। इसी में आगे एक लाइन और लिख लेना, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जीते थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थर्ड का सब पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जीते थे। ठीक है, अब चौथा पॉइंट यहां पे नोट करेंगे आप, चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, देखिए ऊपर के तीन वर्णों को, ऊपर के तीन वर्णों को जो है यहां पर उपनयन संस्कार का अधिकार था, ऊपर के तीन वर्णों को उपनयन संस्कार का अधिकार था। चौथा पॉइंट नोट करेंगे, ऊपर के तीन वर्णों, कौन कौन से ऊपर के तीन वर्ण हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य। ठीक है, ऊपर के तीन वर्णों को उपनयन संस्कार, ब्रैकेट में लिख लेना उपनयन संस्कार के आगे, ब्रैकेट में लिख लेना वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण, उपनयन संस्कार के आगे ब्रैकेट में लिख लेना वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण का अधिकार था। फिर से रिपीट कर रहा हूं चौथा पॉइंट, ऊपर के तीन वर्णों को उपनयन संस्कार ब्रैकेट में वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण ब्रैकेट बंद का अधिकार था। ठीक है, अब इसी में चौथे पॉइंट में अगला सब पॉइंट, चौथे पॉइंट का सब पॉइंट लिखेंगे, चौथा वर्ड उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। चौथा वर्ड कौन सा, मतलब शूद्र, शूद्र जो थे वो उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं थे, वह गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकता था। ठीक है, यानी गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था और यहीं से उपनयन का अभाव शूद्र की दासता का द्योतक बन गया। ठीक है, चौथे का सब पॉइंट लिख लेना पूरा, चौथा वर्ड उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, वह गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकता था और यहीं से गायत्री मंत्र लिख लेना आगे। ठीक है, और यहीं से उपनयन का अभाव शूद्र की दासता का द्योतक बन गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट अब आप लिखेंगे, देखिए एक ब्राह्मण ग्रंथ और है ऐतरेय ब्राह्मण, अभी आपने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ा था, एक ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, तो ऐतरेय ब्राह्मण वैदिक ग्रंथ में, तो इसमें जो है यानी इसमें सबका दायित्व बताया गया है, इसमें जैसे ब्राह्मण का भी दायित्व बताया गया, वैश्य के बारे में भी कहा गया कि वो राजा इसका देनदार है और राजा जब चाहे उसका दमन कर सकता है, लेकिन इसमें सबसे बुरी कंडीशन जो रखी गई है ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है इसमें सबसे बुरी कंडीशन रखी गई शूद्रों की, शूद्रों को यहां पर अन्य वर्णों का सेवक बतलाया गया है और वह दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने वाला है और मार खाने वाला है। तो पांचवा पॉइंट आप लिख लेना, ऐतरेय ब्राह्मण वैदिक ग्रंथ में शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक, शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक और दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने वाला, दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने वाला और मार खाने वाला है बताया है, और मार खाने वाला बताया है। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट आप लिखेंगे, अब आप छठा पॉइंट आप नोट करेंगे, देखिए शिल्पियों में जो शिल्पी थे, शिल्पियों में रथकार का स्थान ऊंचा था। ठीक है, शिल्पियों में रथकार का स्थान ऊंचा था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था, यानी जनेऊ धारण करने का अधिकार था, यज्ञोपवीत का मतलब जनेऊ धारण करना। ठीक है, शिल्पियों में रथकार का स्थान ऊंचा था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, यज्ञोपवीत यानी कि वो जनेऊ धारण करने वाला यज्ञोपवीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यहां पर सातवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, देखिए राज परिवार में यहां ज्येष्ठ अधिकार का प्रचलन प्रबल होता गया, यानी राज परिवार में ज्येष्ठ अधिकार का मतलब क्या है कि ज्येष्ठ पुत्र जो होगा वही गद्दी संभालेगा, ये वाला प्रचलन अब यहां से स्टार्ट हो जाता है।
सातवां पॉइंट ही लिखेंगे, राज परिवार में ज्येष्ठा अधिकार का प्रचलन प्रबल होता गया। ठीक है, होता गया। ठीक है, तो आपने लिख लिया सातवां पॉइंट। अब चलिए आगे लिखेंगे। देखिए, अब स्त्रियों का स्थान जो था, पहले स्त्रियां साथ में सहभाग करती थी, अब स्त्रियों का स्थान जो है पुरुषों के नीचे और अधीनस्थ माने जाने लगा। यानी अधीनस्थ का मतलब होता है बिल्कुल नीचे। ठीक है, आठवां पॉइंट आप नोट करेंगे, स्त्रियों का स्थान पुरुषों के नीचे और अधीनस्थ माना जाने लगा। ठीक है, चलिए नवा पॉइंट नोट करेंगे। नवा पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, यहां पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। देखिए, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। यानी गोत्र आज जो कहते हैं फलाना गोत्र है, फलाना गोत्र बताओ, अपना गोत्र बताओ। ठीक है, तो ये प्रथा कहां से आई थी? उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। ठीक है, अब नमे का सब पॉइंट का पहला सब पॉइंट है, नमे पॉइंट का, गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ, या वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। नमे का पहला सब पॉइंट यही है, गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ, या वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अब नमे का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। यानी पहले गोत्र शब्द का अधिकार क्या था, गोत्र शब्द का सबसे पहले यह था उत्तर वैदिक काल में कि गोधन, यहां पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, उसे गोत्र कहा जाता था उस जगह को। लेकिन बाद के समय में आते आते इसका अर्थ, गोत्र का मतलब ये हो गया कि एक, इसका अर्थ है एक ही मूल से उत्पन्न लोगों का समुदाय, वो गोत्र कहलाया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? अब नमे का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे, फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी। यानी कि फिर सजाति गोत्र के में विवाह जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया, तो कोई व्यक्ति सजाति गोत्र में विवाह नहीं कर सकता है, यानी कि अपने गोत्र से बाहर की लड़की से ही विवाह करना होगा उसे। ठीक है, जानते भी होंगे गोत्र प्रथा आप सब लोग, और फॉलो भी होती है आजकल भी, आज भी खूब फॉलो हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दसवां पॉइंट, अब आप नोट करेंगे दसवां पॉइंट आप नोट करेंगे, वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में, वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में चार आश्रम, वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में चार आश्रम। ठीक है, अब इसी में सब पॉइंट रहे लिखेंगे, पहला ब्रह्मचर्य या छात्रावस्था, पहला ब्रह्मचर्य या छात्रावस्था। सेकंड है गारहस्थ, देखिए पहले इसका नाम गारहस्थी है, यानी कि जहां जहां जो प्राचीन नाम है गारहस्थी है, गृहस्थ तो हम लोग कहने लगे हैं, गारहस्थ या गृहस्थावस्था। ठीक है, थर्ड है आपका वानप्रस्थ। मैंने काफी जगह देखा है लोग वानप्रस्थ लिख जाते हैं जल्दी जल्दी वानप्रस्थ, जबकि इसका अर्थ पूरा वानप्रस्थ या वनवासी अवस्था, वनवासी अवस्था। तो चौथा कौन सा है? चौथा है संन्यास या सांसारिक जीवन से विरक्त होकर रहने की अवस्था, सांसारिक जीवन से अलग होकर रहने की अवस्था, सांसारिक जीवन से विरक्त होने की अवस्था। तो ऐसे करके चार अवस्थाएं बनी वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में, चार आश्रम बने, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग जो है ये है यहां पर देवता अनुष्ठान और दर्शन, यानी देवता कौन कौन से थे, अब अनुष्ठान कौन कौन से जुड़े इनके आकर, और अब दर्शन क्या क्या हुआ इनका। देखिए आपको पता होगा, कल मैंने आपको बताया भी था, ऋग्वेद के जो मुख्य देवता कौन कौन से हैं आपके, सबसे मुख्य देवता तो ऋग्वेद में इंद्र है। ठीक है, इंद्र है, अग्नि है, सोम है, वरुण है, ठीक है, मारुत है, तो ये प्रमुख देवता थे ऋग्वेद के। देखिए ऋग्वेद में कहीं भी इस तरह का, मतलब ये चार देवता, मैंने फिर और सर्च किया और भी जाना इसके बारे में, उस समय जैसे आप विष्णु जी हैं, भगवान विष्णु हैं, महादेव हैं, इनका जिक्र ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ठीक है, यानी इनका जिक्र वहां पर नहीं है, वहां पर जो मूल रूप से देवता थे उनके वही देवता थे, इनका जिक्र बाद में हुआ है, बाद के कालों में ये देवता बन गए, यानी बाद के कालों में इन्हें लोगों ने इनकी प्रायोरिटी बढ़ा दी और उधर उनकी प्रायोरिटी कम हो गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है ऋग्वेद में मूल रूप से वही पांच जो देवता हैं वही हैं मूल रूप से, उनमें ना वहां पे ब्रह्मा का जिक्र है ना विष्णु का जिक्र है और किसी का जिक्र नहीं। मैंने और पता इसमें डीपली किया था लोगों से, तो पता चला उसमें इन लोगों का जिक्र नहीं है, केवल इन्हीं पांच का जो मैंने कल लिखवाए थे उन्हीं का जिक्र है केवल। लेकिन अब यहां पर इस समय आते आते ये थोड़ा यहां पर परिवर्तन होता है देवता में, देवता अनुष्ठान और दर्शन में। ठीक है, तो यहां पर आप पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर, उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब
ब्राह्मणों के प्रभाव में आल संस्कृत का केंद्र स्थल बन गया। पहला पॉइंट यही है, उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृत का केंद्र स्थल बन गया। सेकंड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, देखिए देवताओं में अब इंद्र और अग्नि प्रमुख नहीं रहे। सेकंड पॉइंट यही है, देवताओं में अब इंद्र और अग्नि उत्तर वैदिक काल में ये प्रमुख नहीं रहे, देवताओं में अब इंद्र और अग्नि प्रमुख नहीं रहे, इनकी जगह उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। ठीक है, इनकी जगह उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला, यानी कि अब यहां पर इंद्र और अग्नि के स्थान पर अब नए देवता का सृजन हुआ, इनका नाम है सृजन के देवता प्रजापति। ठीक है, अब देखिए सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, गौड़ देवता, यानी कि ये तो प्रमुख देवता कौन हो गए, प्रजापति बन गए उत्तर वैदिक काल में। अब गौड़ देवता कौन कौन से थे, यानी गौड़ देवता का मतलब होता है कि प्रमुख देवता के बाद का स्थान वाला गौड़ देवता। ठीक है, गौड़ देवताओं में पशुओं के देवता रुद्र ने, गौड़ देवताओं में सेकंड का सब पॉइंट यही है, सेकंड का सब पॉइंट गौड़ देवताओं ने पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। गौड़ देवताओं में पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब विष्णु का जिक्र होता है आके, यानी कि ऋग्वैदिक काल के जो अर्ध खानाबदोश लोग थे उस समय, और वो अब आते आते अर्ध खानाबदोशी का जीवन छोड़कर अब स्थायी रूप से बस गए थे, तो इन लोगों ने जो विष्णु हैं, इन भगवान विष्णु जो अभी कहे जाते हैं, इन्हें अपना पालक और रक्षक मान लिया, यानी कि ये इनका जो था उस समय भगवान विष्णु, यानी कि उनका स्थानीय देवता था, भगवान विष्णु उस समय उनके स्थानीय देवता थे, लेकिन अब इन्होंने इनका प्रमुख रूप से प्रचार करना स्टार्ट कर दिया विष्णु का। ठीक है, यानी ये सब जो ये देवता जो है आपके, आपने ऋग्वेद वाले देवता पढ़े थे, जो ऋग्वेद वाले देवता जो है इंद्र अग्नि, ये तो उनके ग्लोबल वाले देवता, यानी ग्लोबल का मतलब कि सभी पर ये देवता है, ऋग्वेद हमारे ग्रंथ में लिखे गए हैं, बाद बाकी मैंने बताया था लोगों के अपने अपने निजी देवता भी थे, यानी लोगों के अपने अपने समुदायों के देवता भी थे, कल भी बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूं, अपने अपने समुदायों के देवता भी थे। तो ठीक उसी प्रकार से ऋग्वेदिक काल का एक समुदाय था अर्ध खानाबदोश समुदाय, तो ये स्थायी रूप से बस गया, और इनके उस समय देवता जो थे स्थानीय देवता थे वो विष्णु थे, अब इन्होंने विष्णु को ही अपना पालक और रक्षक मान लिया था। ठीक है, तो आप थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, अब आप थर्ड पॉइंट कि ऋग्वेदिक काल के अर्ध खानाबदोशी जीवन को छोड़ स्थानीय रूप से बसने वाले लोगों ने विष्णु को अपना पालक और रक्षक मान लिया। थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऋग्वैदिक काल के अर्ध खानाबदोशी जीवन को छोड़ स्थानीय रूप से बसने वाले लोगों ने विष्णु को अपना पालक और रक्षक मान लिया, इन्होंने अपना पालक, नहीं पालनहार है हमारे और रक्षक भी है, ऐसा मान लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ का कुछ आभास मिलने लगता है, यानी उत्तर वैदिक काल में हमें मूर्ति पूजा, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, ये आप ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में हमें मूर्ति पूजा के आरंभ का कुछ आभास मिलने लगता है। यहां पर तो चौथा पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ का कुछ आभास मिलता है। देखिए अब आपको पता होगा, चूंकि समाज जो था वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में विभक्त था, तो इन चारों वर्णों के अपने अपने अलग अलग देवता थे, यानी कि ये भी बड़ी समस्या थी, अब इन वर्णों के भी अलग अलग देवता थे। अब इनमें एक जो शूद्र था, सबसे नीचे वाला वर्ण था, उसका एक देवता था पूषण, यानी कि मोस्टली क्या था, आपने पढ़ा भी है अभी, कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे इन्हें तो अधिकार तमाम दे दिए गए थे, जैसे उपनयन का अधिकार था, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार, या फिर शूद्रों का तो कोई अधिकार था ही नहीं, तो शूद्रों ने भी अपने अलग देवता बना लिए। अब शूद्रों के देवता कौन थे, पूषण, यानी कि पशुओं की रक्षा करने वाले जो देवता थे ये शूद्रों के देवता हो गए, बड़ी विडंबना है ये। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे पूषण जो पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था,
सूत्रों का देवता हो गया। पूषण जो पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, शूद्रों का देवता हो गया। अब पांचवें का सब पॉइंट लिख लेना आप। हालांकि ऋग्वेद युग में पशुपालन सारी आर्य जाति का मुख्य व्यवसाय था, यानी कि अब केवल शूद्र करने लगे पशुपालन। पहले क्या था ऋग्वेद युग में, ये पशुपालन सारी आर्य जातियां थी, वो सभी का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, तो इसी में पांचवें का सब पॉइंट लिख लेना। हालांकि ऋग्वेद युग में पशुपालन सारी आर्य जाति का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर सार्वजनिक यज्ञ और निजी यज्ञ का भी अनुष्ठान अब देखने को मिलता है इस समय में। ठीक है, तो आप नोट करेंगे, अब अगला पॉइंट है, यानी छठा पॉइंट है आपका सार्वजनिक यज्ञ। राजा अपनी सारी प्रजा के लिए साथ, यानी सार्वजनिक यज्ञ राजा अपनी सारी प्रजा के साथ, और निजी यज्ञ व्यक्ति अपने अपने घर में करते थे। छठा पॉइंट यही है, सार्वजनिक यज्ञ राजा अपनी सारी प्रजा के साथ और निजी यज्ञ व्यक्ति अपने अपने घर में करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यज्ञ जो होते थे, यज्ञों में बहुत बड़े पैमाने पर पशुबलि दी जाती थी, बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे, यानी कि पशुबलि बहुत ज्यादा पशुबलि का प्रचलन था। तो सातवां पॉइंट नोट करेंगे आप, यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशुबलि दी जाती थी। अब देखिए यज्ञ में सम्मिलित होने वाले अतिथि आते थे, उन्हें गोग्न कहलाते थे। तो सातवें का सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे, अतिथि गोग्न कहलाते थे क्योंकि उन्हें गौमांस खिलाया जाता था। साथ में का सब पॉइंट यही है कि अतिथि गोग्न कहलाते थे क्योंकि उन्हें गौमांस खिलाया जाता था। ठीक है, आठवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। देखिए यज्ञ करने वाला यजमान, और यज्ञों का जो फल था वो इस बात पे डिपेंड करता था कि आपने यज्ञ में मंत्रों को कितने सही प्रकार से उच्चारित किया, कितनी शुद्धता के साथ उच्चारित किया है, तभी आपको, यानी जितना आपने शुद्धता के साथ मंत्रों का मंत्रोच्चार किया होगा तभी आपको उसका फल पॉजिटिव मिलेगा, ऐसा उनका मत था उस समय। तो आठवां पॉइंट अब आप लिखेंगे, यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। तो आठवें का सब पॉइंट आप लिखेंगे, यज्ञ का फल यज्ञ में मंत्रोच्चारण की शुद्धता पर निर्भर करता था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आठवें का सब पॉइंट, यज्ञ का फल यज्ञ में मंत्रोच्चारण की शुद्धता पर निर्भर करता था। अब देखिए यज्ञ में उस समय दक्षिणा के रूप में गायें दी जाती थी, बहुत सारी गायें और जो हैं दासियां, ये सब दिया जाता था। तो अगला पॉइंट है आपका, नवा पॉइंट है, शायद वहीं पे था, इसलिए कोई बात नहीं। यहां पर है नवा पॉइंट है, देखिए यज्ञ की जो दक्षिणा थी, नवा पॉइंट है, यज्ञ की दक्षिणा में सामान्यतः गायें, दासियां और सोना कपड़ा और घोड़े भी दिए जाते थे। यज्ञ की दक्षिणा में सामान्यतः गायें और दासियां सोना कपड़ा और घोड़े भी दिए जाते थे। ये नवे का नवा पॉइंट है। अब नवे का सब पॉइंट एक नोट कर लेना। यज्ञ की दक्षिणा में भूमिका दिया जाना उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुआ था, यानी कि यज्ञ की दक्षिणा में भूमिका दिया जाना ये उत्तर वैदिक काल में अभी प्रचलित नहीं हुआ था। तो नमे का सब पॉइंट है यही वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये सब यहां पे आप देखते होंगे कर्मकांड वगैरह, यानी कि यहां पर एक तरह से समाज पूरी तरह से विघटित हो चुका है, चार वर्णों में विभक्त हो चुका है, सभी वर्ण जो है अपने आपको सबको अलग अलग, यानी शूद्रों की हालत तो मोस्टली खराब ही रही है उस समय। ठीक है, तो अब यहां पर इसी समय एक प्रतिक्रिया का उद्भव होता है कि अब आप इसके बाद, यानी इस चैप्टर के बाद आप देखेंगे कि कैसे कैसे बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। देखिए बौद्ध और जैन धर्म का उदय होने का रीजन ही यही था,
कि ये तमाम जो पाखंडवाद है इस सब को हटाने के लिए, तमाम पाखंडवाद, जातिवाद, वंशवाद, इसको हटाने के लिए जो ये इन दोनों धर्मों की उत्पत्ति हुई थी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। देखिए अब तक हमने लगभग 50% कंटेंट यानी 50% सिलेबस इस बुक का कवर कर लिया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में देखिए आगे चैप्टर छोटे भी होंगे, अभी तो बड़े बड़े चैप्टर हैं, आगे चैप्टर छोटे भी होंगे, तो वहाँ पे मैं दो दो चैप्टर कोशिश करूंगा, दो दो चैप्टर एक दिन में कवर करवाऊँ। तो आने वाले मैं ये मानता हूँ लगभग अभी 10 से 12 दिनों में ये बुक खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। कुछ अभ्यर्थी हमसे ये भी बोल रहे थे कि सर मॉडर्न स्टार्ट करना। देखिए मॉडर्न स्टार्ट नहीं करूंगा, अब एक प्रोसीजर के वे में हम चल रहे हैं, चाहे एक महीने का वक्त और लग जाए, हम इसके बाद मिडाइवल पढ़ाएंगे, मिडाइवल उसके बाद देन मॉडर्न, ठीक है। फिर आपका जो एक आपके अंदर वो रहती नहीं भावना रहती है कि हमारा तो क्लास 11 12 का हिस्ट्री हमने कवर कर पाए, हिस्ट्री कवर कर लेते तो हमें कोचिंग की जरूरत नहीं रह जाती, फिर आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं रह जाएगी, इतना कंटेंट आपके लिए सफिशियंट है एक सब्जेक्ट के लिए। इवन इफ अगर आपका इंटरेस्ट अगर हिस्ट्री में बनता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर, तो भी आपके लिए ये बुकें काम आएंगी, ठीक है। इस टाइप से मैंने लिखवा दिया है। तो 10वां पॉइंट अब आपका जाते जाते लिख लीजिए, 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट आपको लिखना जरूरी है यहां पर कि वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध तथा यज्ञ और कर्मकांड के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रियाएं पांचालों और विधेय के राज्य में हुई। फिर से रिपीट कर रहा हूं 10वां पॉइंट कि वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के विरुद्ध कौमा यज्ञ तथा कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रियाएं पांचालों और विधेय के राज्य में हुई। अब 10वें का सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट 10वें का, यहां 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ, उपनिषदों का संकलन जो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग हुआ है ये, तो यहां 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे करके अब जो समय आ रहा है, यानी कि अब आप जो पढ़ेंगे, जो घटनाएं आप पढ़ेंगे वो मोस्टली आपकी पढ़ी हुई घटनाएं, यानी बौद्ध धर्म की बहुत सारी घटनाओं का जिक्र आपको मिल जाता है। ये जो इतिहास का इतना बड़ा जो पहलू है, शायद इसे इतना कोई नहीं पढ़ाता है, इतना कोई इस पर गौर नहीं करता है। और तभी क्या होता है कि एक दो प्रश्न इसमें से आ जाते हैं जो आपके यूपीएससी एग्जाम में, प्रीलिम्स में, तब अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने ये पोर्शन पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं, उठा के नहीं देखा है। और मेन चीज क्या होती है, देखिए एक बात और मैं बता दूंगा आप लोगों को, आप लोगों के कमेंट मुझे मिलते हैं, थोड़ा मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से यहां पे 2 मिनट, आप लोगों के कमेंट मुझे मिलते हैं काफी लोगों के। एक बंधु का मुझे कमेंट मिला अभी कुछ दिनों पहले कि सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप ये पुरानी वाली हिस्ट्री की बुक क्यों पढ़ा रहे हैं, नई वाली क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, नया पुराना कुछ भी नहीं है हिस्ट्री में। आप ये सोच रहे हो कि आप पुरानी क्यों पढ़ा रहे हैं, नई क्यों नहीं पढ़ा रहे, नई वाली में सबसे बड़ी कमी ये रखी गई है, नई वाली में तथ्य जो हैं वो इतने आगे पीछे रखे गए हैं, यानी एक सीक्वेंस में नहीं रखे गए हैं। आप ये बुक पढ़ रहे हैं, आप ये बुक अगर बिगिनिंग से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा भाई इस काल के बाद ये काल आ रहा है, लेकिन जो नई किताबें आई हैं, नई किताबों में उन्होंने एकदम अंधाधुंध तरीके से, यानी उनमें ना कोई ढंग का एनालिसिस किया गया, ना कुछ किया गया, बस तथ्यों को उठाकर उन्होंने पटक के रख दिया, यानी यहां का कॉपी मारा, वहां का पेस्ट मारा, ऐसे करके लागे रख दिया है। इसलिए नई वाली किताबों को हम उठा के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए हम पुरानी वाली एक प्रोसीजरल वे में, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में लिखी गई किताबें हैं, इसलिए हम पुरानी किताबों का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात, और मुझे एक कमेंट और मिला, उसमें ये मिला कि सर पुरानी वाली से कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए एक यूपीएससी के अभ्यर्थी की, यूपीएससी के अभ्यर्थी की नहीं, एक हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी की मैंने सबसे कॉमन कमी देखी है, कॉमन कमी ये देखी है मैंने कि वो किताबों की लिस्ट बना लेता है पहले। जैसे मैंने आईएएस परीक्षा की मुख्य वो जो पुस्तकें बताई हैं, उपयोगी पुस्तकें बताई, उन्होंने लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने किताबें खरीद लाए या फिर नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर ली, उसके बाद वो नोट्स वगैरह नहीं बनाते हैं उनके, बस धड़ल्ले से पढ़ते हैं किताबों ने। उनका मतलब क्या है, कोटा पूरा करना है हमें, तो भाई हमने तो 4 किताबें सर ने बताई, 10 किताबें बताई, हमने 10 किताबें पढ़नी इतने टाइम में, अब हमारा तो यूपीएससी निकल जाएगा, जबकि यूपीएससी ऐसे कभी नहीं निकलता है। पहली बात ये जान लीजिए, सबसे बड़ी आप पहली और आखिरी मिस्टेक यही करते हैं कि आप धड़ल्ले से किताबें पढ़ने लगने जाते हैं कि लग जाओ किताब पढ़ने पर हमारा इसी से उद्धार हो जाएगा, कि सर ने मयंक सर ने बता दी कि 20 किताबें पढ़ लो इससे हमारा यूपीएस, हम आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, वो वहीं पर सबसे बड़ी मूर्खता कर जाते हैं जिंदगी की। सबसे बड़ी बात है आप जितना भी पढ़ें उसका एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स तैयार करें, ताकि एग्जाम से पहले कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करके आपके माइंड में
तथ्य घुस जाए, वरना ऐसे पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे आप कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाइए कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथ नहीं है ये, आपकी लाइफ संवारेंगे ये। तो सबसे बड़ी गलती आप लोगों की यही होती है, फिर बाद में आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि सर ये किताब बढ़िया नहीं थी, ऐसे कुछ नहीं फंसा हमारा, ये कुछ नहीं फंसा। देखिए किताब में सब कुछ फंसता है, ये आप गलत कह रहे हैं, किताब में कुछ नहीं फंसता है, ये पुरानी सब कुछ फंसता है, बस थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। यूपीएससी का पैटर्न ये हो गया है कि अब यूपीएससी वाले अप्लाइड क्वेश्चन देते हैं, इंजीनियरिंग वाले बंदे हैं वो अप्लाइड जानते हैं। अप्लाइड का मतलब क्या होता है, एकदम जो बिल्कुल एकदम अप्लाइड का मतलब ये होता है कि आप आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से जुड़ के वो क्वेश्चन रखते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं, यानी अप्लाइड यानी कि आप व्यवहारिक क्वेश्चन बनाते हैं कि आपके व्यवहार में आप इसे कैसे अमल करेंगे। जबकि जो पहले का पैटर्न था, यानी आज से 5 साल पहले का पैटर्न क्या था कि आपने जो कुछ पढ़ा फैक्चुअल वो आपको एलटेज मिल जाता था, अब एलटेज नहीं आता है, आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं उस समय कि हाँ भाई ये पैरेलल इसे सोच कर देखें तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो अभ्यर्थी ये समझता है किताब से कुछ नहीं आएगा, किताब से बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आप लोगों से गुजारिश यही है कि देखिए ये वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूँ हिस्ट्री वाले, कम से कम इन्हें शेयर जरूर करते रहा करें, ताकि तमाम जो नए अभ्यर्थी हैं वो उनके नोट्स बन जाएं, नोट्स बन जाएंगे यकीन मानिए उन्हें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं रह जाएगी। हमारा सबसे लेंथी पोर्शन हिस्ट्री वाला पोर्शन ही है, ये आप और देख लीजिए, यानी कि हिस्ट्री में आपके जब दो या ढाई महीने का टाइम लगा, इतना फिर किसी और पोर्शन में टाइम नहीं लगेगा, और सब पोर्शन तो हवा की स्पीड यानी रॉकेट की स्पीड से निकलेंगे। ये पोर्शन आपका सबसे लेंथी था, इवन इफ मैंने भी ये पोर्शन जो है केवल किताब में अंडरलाइन करके पढ़ा था, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे इसके इस पोर्शन के, क्योंकि इतना लेंथी था, मुझे भी लगा यार बहुत यार कहां हिस्ट्री, और हिस्ट्री से मैं बचपन से ही भागता रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने जम के पढ़ाई की, उसकी जम की पढ़ाई भी की, जम के नोट्स भी बनाए और आप लोगों को भी नोट्स बनवा रहा हूं। तो आई होप आप लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।